प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे, जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। से हम सब बहुत ही दुखी हैं, हतप्रभ हैं। जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्त विधायकों में शोक की लहर छा गई। बहुत अच्छे अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे। उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और स्टेज शो में गांव गवई भाषा को नहीं भूला। हमेशा उन्नाव, कानपुर, लखनऊ प्रदेश की बात को करते थे। जहां जहां हिंदी है वहां वहां राजीव श्रीवास्तव जी का नाम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को और जो उनको सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतनी ताकत प्रदान करें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सके। उनका निधन हो गया ना? हाँ, सवेरे। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजीव श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतने कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने, मुंबई शहर पहले बम्बई हुआ करता था तब का साथ रहा 30 साल, साथ में मकान खरीदा। हम लोगों के जीवन का स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहा पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे और आंख खोल दी है, लेकिन ईश्वर की न शराब न सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक 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 सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने, इंटरनेशनल ब्रांड थे राजीव श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे और हमेशा हंसाना उन्होंने हंसाते रहे, वही यादें रही। जब पार्टी में भी आए तो बीजेपी में साथ रहे, तो उन्होंने वहां पर फिल्म उद्योग में आए फिल्म बंधु को अच्छे से संभाला। आज काफी फिल्मों की शूटिंग होती रही। पिछले 2 महीने पहले हम लोग साथ में थे एक मंच काशी में जहाँ सब्सिडी दी जा रही थी, 2-3 दिन साथ रहा, हंसते रहा, कभी देख के उनको लगा नहीं था और अचानक आज ये खबर आई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ News Nasha।